जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और मजेदार व्लॉग। तो व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो गाइस, मैं अभी बना रही हूँ मैक्रोनी यानी कि पास्ता। तो आपको दिखाते हैं अभी मेरा पास्ता यहाँ बोल रहा है। यहाँ मैंने प्याज मिर्ची उर्ची काट के कर लिया तैयार। और ये ऐसा क्यों दिख रहा है? देखिए तेल गर्म हो रहा है। अभी हम लोग बनाएंगे यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पास्ता। तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग के साथ, आप लोगों को भी दिखाएंगे पास्ता। तो अभी मेरा मसाला हो रहा है तैयार। तो गाइस, हमारे घर पे जो गेस्ट आए हुए हैं, हमारे बच्चे, दीदी के बच्चे, वो मैक्रोनी मांग रहे थे। बस मम्मी आज मैक्रोनी बनाओ पास्ता। तो मैक्रोनी बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए ऐसे चल रही है। देखिए जूम करके बता देता हूँ मैं। मामी जी, आपकी स्पेशल मैक्रोनी। ये मामी की शक्ल देखिए आप, अगर देखो आप क्या बना रहे हो? पास्ता। पास्ता, पास्ता ही बोलते हैं इसको, मैक्रोनी को। हाँ। अच्छा अच्छा। और वो एक और बनती है ना नूडल्स वगैरह, क्या बोलते हैं उसको? नूडल्स ही बोलते हैं। देखिए बताना। तो गाइस देखिए, ये पास्ता को आस्था ने इसमें डाल दिया और ये आस्था इसकी बात लगाने में लगी हुई है। ये देखो इसमें से निकाल रही है। तो कितना टाइम और लगेगा इसको बनने में? तो गाइस 2-4 मिनट का और गेम है, तो देख लीजिए आप। कैमरा दूर रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसका धुआं मेरे लेंस में चला जाएगा। आपने कहाँ से सीखा ये बनाना? मेरी मम्मी। इधर देख के बोलो। मेरी मम्मी से। अच्छा वाह, देखिए गाइस ये छोरा नाराज हो गया है, यहाँ पे खड़ा होके पता नहीं कौन सी तपस्या कर रहा है। लो आओ बेटा, चलो चले अपन। नाराज हो गया तो तेरे को लेने आया हूँ मैं। चलो 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 चलो। हाँ क्या हुआ? देख चाचू के पास जाओ, जाओ चाचू के पास जाओ, चाचू बुला रहे, चाचू के पास जाओ। ये अपने लिरिक्स लिख रहे हैं, राजस्थानी रैपर प्रिंस मीणा खैराड फ्रॉम खैराड विजेटा सिटी का हूँ मैं। कौन सी सिटी? जाजपुर। जाजपुर तो गांव है, जाजपुर गांव ही तो है। देवली तो बहुत बड़ी सिटी है दिल्ली के बराबर है। देवली तो बड़ी है ही, देवली के अंदर तो मॉल म्यूजियम सब खुलने वाले थोड़े दिन में। म्यूजियम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक जिम तो नहीं खुल रहा ढंग से। यहाँ पे 3 जिम है प्रोफेशनल, वो भी तेरे को क्या पता है? तू घर से बाहर तो निकलता है नहीं, तेरे को क्या नॉलेज है? जाजपुर का ना एक, इन लोगों ने हमारे घर को चिड़ियाघर बना दिया है गाइस। और बहुत ज्यादा आज हरा पा रहे हैं, इतने पा रहे हैं कि बता भी नहीं सकते। तो दिखाते हैं ये किस तरह से थैला रहे हैं। तो बने रहे ब्लॉग के साथ। क्या कर रहा है रे तू? क्या कर रहा है जब से उस कॉपी लेके? और कोई काम नहीं है क्या? केला से की कहीं कुछ उतार रहा हूँ। चतार रहा है? ऐसे चतारते क्या ये? अगर ढंग से लिखा नहीं ना फिर बाद में देख तू। मेरे को तो नहीं लग रहा तेरे दम। पहली बार बना रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा, बड़ा लगेगा। टैलेंटेड हूं गाइस, खुद के मुंह से खुद ही तारीफ। आगे जूते दिखाओ एक बार गाइस को। गाइस देखो मेरे जूते, बड़े ब्लॉगर बनते फिरते हैं जूते और ब्रांडी है मेरे। देख देखो गाइस, बस दिखा दिया और कुछ? ऐसा लग रहा सलमान खान के फटे कच्चे से सिल रखे हैं, है ना? डीमो मेरा तो तेरा डील संभाल, तेरा डील। ये क्या कर रखा है तूने अपने आप को? सिर्फ फेस फेस का आज में देखकर खुश होता है, कभी नीचे भी लंबे मिरर के आगे खड़ा हो या कर लंबे के आगे खड़ा होता हूँ मैं। फिर क्या फील करता है जब खड़ा होता है, है ना? तेरे को अकेले को अच्छे से लगने से थोड़ी मतलब है। दुनिया को थोड़ी दिखाना, तो दुनिया को नहीं दिखाएगा तो फिर लिखी क्यों रहा है? बैठ जा, खुद ही गा लिया कर मन में। क्यों भाई? क्यों भाई? दुनिया को तो दिखाना ही नहीं है ना। बादशाह बनूंगा, बादशाह रैपर बनूंगा मैं। बादशाह जवान जबोट करा लो गाइस इनसे, ये जबोट करना जानते हैं। भाई ये जबोटिया कर रहे हैं ऐसे, लो पकड़ो। तो ये मनोकरीज लेकर आई है गाइस, जो मैंने मनोकरी पास्ता है, मनोकरी मनोकरीज लाई है, मेरे को बहुत पसंद है ये। मैक्रोनी होता है,
मनोकरी देखो गाइस, तो बोलना भी नहीं आ रहा। एक बार इन्होंने बिगाड़ दिया, मजा नहीं आया। अब देखते हैं दूसरी बार में खाता हूँ या फेंकता हूँ। अरे बिगाड़ ही दिया था, उसे बिगाड़ना ही खेते हैं। किस दिन पहले? हाँ पहले, उनका अभी की बात कर रहे। जितनी बार खाया ना, एक बार सही बना है, उसके बाद से तो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रहने दो, क्या रहने दो, क्यों नहीं खाऊंगा, पैसे लगे हैं, खाएंगे। तो किसके लगे हैं? मेरे, मैं लेके आई हूँ। तो गाइस हम खाएंगे एक चम्मच सॉस मनोकरी। सॉस डालना, सॉस डालना, बहुत बेकार है गाइस, मैं बता नहीं सकता आपको। अरे यार पास्ता हाथ में लेके बना दे, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस बहुत ही ज्यादा बेकार है गाइस। गाइस खा खा के उठे धुंधे की दे रहे हैं आस्था मामी के। क्यों कर दो? नहीं मैं खाओ, बेकार है तो मैं लेके जा रही हूँ। बाल दिमाग खराब नहीं करना, मैं लेके जा रही हूँ, बेकार है तो। गाइस इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, खाऊंगा नहीं क्या? रोटी नहीं खाई मैंने सुबह से। अच्छा रोटी नहीं खाई, अभी दिखाऊं बर्तन तुम्हारे? चलो दो बार नहीं खा सकता क्या मैं? तो क्यों खा रहे? बेकार, मम्मी बेकार है, मम्मी को दिखाओ, मम्मी बताएंगी। मम्मी तो बेचारी खा लेती, मैं तो नखर है, मम्मी नहीं आ रही यार के नखरा। बेकार है, इतना मस्त बनाया, पूछो मत क्या मस्त है। गुड़िया गुड़िया तो खा भागा, लखन कौन है बताओ? कोई मतलब वाली बात नहीं है गाइस, कोई मतलब नहीं है इस घर में। नहीं व्हाइट सॉस पास्ता है, बच्चों का है व्हाइट सॉस पास्ता है गाइस। ये यानी कि बातों में ना जाए, उसमें रेड है, ये रेड सॉस मनोक्रीज है, नॉट अ पास्ता। मैक्रोनीज होता है तुम्हारे, होता होगा मैक्रोनीज, मेरा तो मैक्रोनीज ही होता है। पहले बोल तो लो ढंग से। लोग किस तरह गपशा भर भर के एक एक चम्मच मुंडे में डालते हैं गाइस, इतनी चटकावड़ी होती हमें खाने में, जिंदगी खो दी अपनी, क्योंकि दिल्ली वाले हैं गाइस। पिज्जा देख के उलट पड़ता है, आउच पिज्जा। मामा ने कहा क्या करते हैं? उलटते हैं पिज्जा देख के, है ना, दिल्ली वाले खाते हैं। तुमने कभी खाया भी नहीं होगा ये फास्ट फूड, खा के और क्या बोलो, घर की बात है ज्यादा। बहुत अच्छी लग रही है, बालों को ढंग से कर रखा इसलिए। तो गाइस यहाँ पे प्रिंस अपने लिरिक्स याद कर रहा है, अभी आपको गाना सुनाएगा तगड़ा वाला, रैप करके बताएगा ये रैप। गाने के लिरिक्स बता दो एक बार, गाने के लिरिक्स क्या? टाइटल 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 वही जो दो दिन से कहता आ रहा हूँ। क्या आप बताओ ना, आपको याद है? आप बताओ। मेरे को याद नहीं है, मैं ऐसे गाने याद नहीं करता। जापा में लाडू मांगे रे केला से थरी का। ओह माय गॉड, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलने दे। जापा में लड्डू मांगे रे केला से थारी का की, हाँ जापा में लड्डू केला से थारी का की, हाँ जापा में लड्डू मांगे रे केला से थारी का की, हाँ केला से थारी का की, हाँ केला का की, हाँ केला से थारी का की, यह घणी न करानी। जापा में लड्डू मांगते न शर्म न आ रही, हाँ जापा में लड्डू मांगे रे के थारी का की, हाँ केला से थारी का की, हाँ केला से थारी का की। को लड्डू खिला के कैलाशा घर आया, घर आके बोला राम राम प्रिंस भाई, हाँ जपा में लड्डू मांगे रे कैलाशा थारिका की, हाँ जपा मांगे रे कैलाशा थारिका की, हाँ कैलाशा थारिका की, हाँ कैलाशा थारिका यार कैलाशा। बंद कर, अब सुन ले मारी बात, तू कैलाशा की काकी, छोड़ पीछे छोड़ दे लड्डू को खा ले कार्य पाकी पाकी। अब तू सुन ले मारी बात, हाँ कैलाशा की काकी, पीछे छोड़ दे लड्डू करे पाकी पाकी, हाँ जापा में लड्डू मांगे रे केला से थारिका की, हाँ जापा में लड्डू मांगे रे केला रिका की, अकेला से थारिका की, हाँ केला से थारिका की, हाँ जापा में लड्डू थारिका की, हाँ जापा में लड्डू मांगे रे केला से थारिका की, हाँ केला से थारिका की, हाँ केला से थारिका की। तो गाइस मम्मी मशीन ठीक करवा रही है, मम्मी की मशीन खराब हो चुकी है, दो तीन महीने से खराब पड़ी थी, तो आज भैया आया ठीक करने के लिए मशीन। पाँच छः महीने से खराब पड़ी है मेरी मशीन, और अभी ठीक हो रही है। अंकल जी क्या खराबी है इसमें? हम देख लेते गाइस। क्या क्या कर रहे हो आप? अंकल तो अंजर पंजर ढीले कर दिए मशीन के। नहीं सब, सही भी करूंगा। सब कुछ खोल दिया अंकल जी ने। देखिए गाइस क्या हो जा रहा है अंकल जी के पास। कहाँ के हो अंकल जी आप? ये राजस्थान का ही था, सीकर जिला का। सीकर जिला के हो? सीकर जिला के अंकल जी। तो गाइस जिसको मशीन ठीक करानी हो इन अंकल से कॉन्टेक्ट कर लेना, शक्ल देख लो इनकी। मशीन थी
और बेचारे को चिप्स खोल के कोई नहीं दे रहा, बैठा हुआ थी देर से ही। चिप्स खोल दो ना कोई, नमे की नमे। सो गाइस रात हो गई है, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी लोग पी रहे हैं चाय। और ये पता नहीं कहाँ थे, मैं बाहर गया हुआ था। किस काम से? काम से, पर्सनल काम था मेरा। ओह माय गॉड, सरप्राइज है क्या लोगों के लिए? सरप्राइज तो नहीं, हाँ सरप्राइज ही समझ लो है, कुछ ना कुछ। सो गाइस बहुत जल्द दिखेगा आपको कि आज ये किस काम से बाहर गए थे, बस कुछ टाइम और। और आज हमने बनाई थी कड्डी बाटी, लेकिन मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा ये भाई साहब लेके गए थे आज। हाँ। क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा इधर भी देख लो, गाना ढूंढ रहा हूँ रील में डालने के लिए। अच्छा गाना एडिट कर रहे हो क्या? तो गाइस अभी मेरी रील्स एडिट कर रहे हैं और इनको सॉन्ग्स नहीं मिल रहे अभी, और अभी शाना भी अभी नहीं आया हमारे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।